मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपनी नई पारी की शुरुआत रामकाज से ही की और कहा भोपाल में एक विशिष्ट दर्शनीय श्री राम सांस्कृतिक और पुरातात्विक संग्रहालय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने तुलसी मानस प्रतिष्ठान की बैठक में यह बात कही। भाजपा को मिली प्रचंड जीत के पश्चात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामकाज से कार्य का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले तुलसी मानस प्रतिष्ठान की बैठक में भाग लिया और संपत्ति कर में छूट देने की बात कही। बैठक में मानस भारती पत्रिका के दिवाली अंक का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज ने राजधानी में एक विशिष्ट श्रीराम सांस्कृतिक और पुरातात्विक संग्रहालय बनाए जाने की बात कही। बैठक में तुलसी मानस प्रतिष्ठान मध्य प्रदेश की लीज अवधि बढ़ाने के आवेदन को स्वीकृत प्रदान की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि सबसे बड़ी आवश्यकता समाज को और अपने बच्चों को संस्कार देने की है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस संस्कार सीखने की सबसे बड़ी पुस्तक है। उन्होंने कहा, मैं भी बचपन में गांव की बैठकों चौपालों में चौपाई सुनाया करता था। कई गांव की बैठकों में तो चौपाई का अर्थ बताने के लिए मुझे बुलाया जाता था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।